क्या हो गया, क्या ये हॉट तेरी तरह ना? हॉट तो तू है यार, को झेलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सच में। जो हारा वो बिल पे करेगा। कल पता नहीं कि सबके क्या हाल होने वाले। सूरज नहीं टिकेगा, ये पपड़ी तो दे दो। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कब क्या हो, कल क्या हो, कल क्या हो, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ही टेस्टी होने वाला है। टेस्टी सुबह के 10 बज रहे हैं, सब खाएंगे व्लॉग, ऑब्वियसली टेस्टी होने वाला है, बहुत ही टेस्टी होने वाला है, आपके मुंह से पानी आ जाएगा गारंटीड। गाइस आज के व्लॉग में हम जयपुर के टॉप फेमस फूड्स ट्राई करने वाले हैं, जो कि बहुत पुराने हैं और बहुत लाइक वो शॉप्स वगैरह जो है वो बहुत ही पुरानी है और आज तक सबकी फेवरेट है, तो हम ट्राई करने वाले हैं। और मैंने तो जैसे एक भी चीज ट्राई नहीं करी, नहीं उसमें से जो हम ट्राई करने वाले उसमें से मैंने एक चीज अभी तक ट्राई करी है, सिर्फ एक चीज, और यशी ने एक भी चीज ट्राई नहीं करी अभी तक, और अभिषेक ने ऑलमोस्ट सब कुछ कर रखा है, कृतेश तो रोज ही करता रहता सब कुछ। ये तो साला पेटू है एक नंबर का। तो देखो अभी हम जा रहे हैं, अभी अच्छी बात होती है, खाना खाना चाहिए। देखो राजस्थानियों की पहचान है पेट, ठीक है, वो पता लगे कि ये फिटनेस, हम मारवाड़ी लोग हैं, खाए खाते पीते खाना, वो पता लगे इसको असर नहीं होता और ये अपना बर्न कर लेता है और मैं चलने दो। चार पांच चीजें ट्राई करने वाले हैं, तो अभी सुबह का नाश्ता ट्राई करने वाले हैं सबसे पहले तो हम। और वैसे ही सुबह का नाश्ता 7 बजे होने वाला था और यशी ने लेट करा दिया, मैं क्या बोलूँ, हर बार व्लॉग में ये लेट करा देती, मैं परेशान हो गया इससे यार। गाइस कुछ बोलो यार इसको यार, प्लीज यार, झूठ कम बोला कर, झूठ कम बोला कर। पिछले व्लॉग में हमने तेरी करामात दिखा दी, सबको पता है, सबको पता है, आप लोग मुझे पहचान चुके अच्छे से, तो वही शख्स है जो अपना एडमिट कार्ड भूल के जाता है। एक्चुअली आज क्या है, मैं हमने सुबह 7 बजे का प्लान बनाया था लेकिन मेरा फोन साइलेंट पे था, तो ये फोन करते रहे। 9 फोन किए थे मैंने पूरे 9 और इसने 4, तो अभी हम सुबह का नाश्ता 10:30 बजे कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट में बोलो यार प्लीज, कमेंट में बोल दो कि अच्छा है, आप कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बनाया करो। नहीं नहीं, हम लोग परेशान होते हैं ना, कमेंट में ये बोलो कि भैया आलस कम दिखाओ। अच्छा ठीक है, जैसे सफाई के लिए बोला था वैसे आलस के लिए भी बोलो इसको, बॉडी इज अभी स्लीपिंग मोड पे, 11 बजे उठती है और मेरे ऊपर इंजाम लगा रहे हैं सबके सब की 7 बजे लेट कर दिया सबने। लेकिन मैं 6 बजे उठ के नहाती हूँ ना पहले। मैंने पहली बार ऐसा इंसान देखा जो है ना सुबह 5 बजे उठते हैं, 6 बजे तक नहा लेते हैं और फिर सो जाते हैं वापस। करने को ही नहीं होता। और एक वो है जो नहाता ही नहीं 3 दिन तक। गाइस हम पहुंच चुके हैं फर्स्ट जो ट्राई करने वाले हैं, जयपुर का फेमस चाय ट्राई करने वाले हैं हम। और ये शॉप आज़ादी से 1 साल पहले की है, 1946 में स्टार्ट हुई थी गुलाब जी चाय वाले, गुलाब जी चाय वाले जिन्होंने स्टार्ट करी थी, उनका नाम था गुलाब जी। और ये जयपुर की सबसे फेमस शॉप है, लोग यहाँ पे रात को मतलब सुबह उठ के 4 बजे 4 बजे से स्टार्ट हो जाती है। मेरी साल की पहली चाय होगी क्योंकि मैं चाय पीता नहीं, लेकिन यहाँ हम ट्राई करने वाले हैं। ये दोनों नहीं, कोई नहीं पीता, कोई नहीं पीता, ये तो लेकिन यहाँ की पीते हैं, यहाँ की हम ट्राई करेंगे। जो फोटो लगी हुई है वही गुलाब जी है? हाँ बाबू जी। अच्छा, वो जो सामने फोटो लगी हुई है वही है अंकल जिन्होंने इसको शुरुआत किया? इन बाबू जी के बेटे हैं। और ये देखिए ये अंकल भी यहाँ पर है। नमस्ते, खम्मा घनी बोल दीजिए अंकल सबको। तो ये राजस्थान में खम्मा घनी बोलते हैं तो खम्मा घनी बोल रहे हैं वो, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन बोल देना खम्मा घनी खम्मा। पूरे दिन में कितने सारे लोग आ जाते हैं यहाँ पर? पूरे दिन में 800-700 आदमी आए जाते हैं, 24 घंटा नहीं, सुबह 4 बजे से रात को 8 बजे तक। हम सबने चाय मंगाई, ये बन किसका है? मेरा, इसको बन खाना था। How is the bun? Let me just, oh yeah, I love bread or bun. हेलो फ्रेंड, चाय पी लो। गाइस यहाँ पर इस शॉप पर लाइक ऑलमोस्ट कोई भी एक बार आता है ना तो वो रेगुलर आता है। यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं वो इतने लॉयल हैं कि 12-12 साल 15-15 साल से रेगुलर यहीं पर आ रहे हैं वो, और कहीं चाय पीते ही नहीं है। मैं भी अब से यहीं आने वाली हूं। और मेरे को सच्ची में ये पहली चाय पी है मैंने और सही में बहुत अच्छी है चाय, बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर जब भी जयपुर आओ तो गुलाब जी चाय वाले की चाय ज़रूर पीना। गाइस इन दोनों ने तो पहले पी हुई थी यहाँ की चाय, मैंने और यशी ने फर्स्ट टाइम ट्राई करी और सच्ची में बहुत प्यारी चाय, बहुत ही अच्छी चाय लगी, 2020 की पहली चाय और वो मैंने बहुत ही टेस्टी चाय पी। तो गाइस हमने चाय पी ली है और हम सबको काफी पसंद आई, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लोकेशन पे। तो गाइस आ चुके हैं हम लोग हमारा दूसरा फूड ट्राई करने के लिए, पर जहाँ पर हमें जाना है वहाँ बहुत बहुत ज्यादा भीड़ है, तो रिस्क ना लेते हुए हम लोग यहीं पर है फिलहाल। एक बार हम आपको दिखाते हैं कितनी भीड़ हो रही है वहाँ। जयपुर की फेमस समोसा शॉप है, ज्यादा भीड़ है
तो हम लोग शॉप पर ना जाकर अभी एक जना कोई भी हमें जाकर वहाँ से ले आएगा और हम कार में बैठ के ट्राई करेंगे इसको, क्योंकि वहाँ बहुत रिस्क है जाना। तो बस मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है तो अभी हम ट्राई करके बताते हैं आपको कैसा समोसा है यहाँ का। ओके तो समोसा ट्राई करने वाले हैं अब हम क्या हो गया, क्या ये हॉट तेरी तरह ना? हॉट तो तू है यार। इसको मैंने बोला था कि ऐसे मिक्स नहीं करना, समोसे के ऊपर दोनों डाल के मिक्स हो जाएगी। एक बुद्धू ने कुछ और, दोनों ने बुद्धू ने कुछ और समझ लिया। कुछ नहीं आता तेरे को, आज तेरे को बहुत आता है। यही तो करना था, ये देखो यही तो करना था। इसमें हो गई मिक्स। गाइस मैं दिखा रहा हूं समोसा खाने का तरीका क्या होता है। ऐसा समोसा पकड़ो, ऐसे उंगली डाल के इसको फोड़ो और फिर इसके अंदर यूं ऐसे चटनी भरो और फिर खाओ। गाइस इस लड़की ने मेरी जिंदगी खराब कर रखी है, सच बता रहा हूं। इसको चटनी गोल नहीं आती। इस लड़की ने मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। जितने दिन ये एग्जाम दे रहे हो उतने दिन मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। पकड़ लेना प्लीज। इसको झेलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सच में। इसके इतने नखरे उठाने पड़ते हैं। गाइस सही में बहुत टेस्टी समोसा है, कसम से बहुत टेस्टी है। मैं कभी समोसा नहीं खाती हूं, इट्स वेरी टेस्टी। मैंने जयपुर में बहुत समोसे खाए, बहुत, बट ऐसा कभी नहीं। तू चचा करके मत खाई, करता रहता है तो आदमी खाते हुए बोलेगा तो हाथ तो आएगी ना। नो, ये बैड मैनर्स है, ऐसे करके नहीं खाती। गाइस नाश्ता हो चुका और बहुत ही अच्छा नाश्ता हो गया। हम जा रहे हैं थोड़ा सा घूमेंगे अभी, क्योंकि अब थोड़ा सा पेट भर चुका है और अभी हमारे को नेक्स्ट फूड ट्राई करना था, उसके लिए जगह खाली करनी जरूरी है। अब जब फेमस फूड ट्राई कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छे से खाए ना। तो अभी हम एक डेढ़ घंटा थोड़ा सा घूमेंगे, उसके बाद जाएंगे हम नेक्स्ट फूड ट्राई करने के लिए। गाइस जब हम सारे फूड ट्राई कर लेंगे उसके बाद लास्ट में हम सब एक पताशी कॉम्पिटिशन जरूर करेंगे। मैंने बहुत सालों से नहीं खाई, मेरे को खानी है। हाँ यशी को भी पताशी खानी है, कृतिश को भी पताशी खानी है, अभिषेक का भी बहुत मन है पताशी खाने का। पता है मैं जब भी पताशी खाता था ना यही मुझे मना करता था। हाँ मैं ही मना करता था पताशी खाने के लिए, पताशी नहीं खानी तेरे को। पताशी मींस गोलगप्पे, गोलगप्पे। हाँ गोलगप्पे, पताशी, गोलगप्पे, कुछ के। तो बहुत मजा आएगा, तो एंड तक जरूर देखना व्लॉग को। मैं जीतूंगा, नहीं मजा आएगा, मैं भी पूरी टक्कर देने की कोशिश तो करूंगा पूरी की पूरी। अच्छा सीधे बैट लगाएंगे, सीधे बैट लगाएंगे 500 रुपीज। किसमें कितना है दम? बैट लगाएंगे सीधे 500। देखो पुशअप्स की बैट लगाओगे तो मैं हार जाऊंगा। अच्छा 500 की पुशअप बैट नहीं, जो हारा वो बिल पे करेगा। ओके पताशी का, ठीक है। जो लास्ट आया वो बिल पे करेगा, वो बिल पे। यार तुम क्या है, मेरे ऊपर बिल फाड़ोगे ऐसे तो। Hey guys, finally हम लोग आ गए हैं हमारे दाल बाटी चूरमा खाने। अभी हम दाल बाटी चूरमा ट्राई कर रहे हैं। अभी हम बस स्टैंड के जस्ट पास में एक संतोष भोजनालय है, 50 साल पुराना है और यहाँ का दाल बाटी चूरमा बहुत ज्यादा फेमस है। ये बहुत सारी आवाज इसलिए आ रही है क्योंकि ये एक ऐसी जगह, हम बस स्टैंड के पास में है तो थोड़ी सी आपको नॉइज होगी। ₹150 की एक प्लेट आती है और ये अनलिमिटेड है, जितना मर्जी उतना खा सकते हैं आप। गाइस इसको खाने का तरीका ये है कि इसको पहले चूरो ऐसे करके इसमें और अब ऊपर से दाल मिक्स करते हैं इसमें। हाथ से खाना होता है इसको, ये हमें यहाँ के ओनर ने ही बताया कि इस तरीके से खाओ, इस तरीके से खाया जाता है इसको। बहुत टेस्टी है, कमाल है। दाल बाटी चूरमा हो चुका है और सही में बहुत टेस्टी था। एक पेट भर के खाया मैंने और कृतेश ने और अभिषेक ने, तो यशी का तो पेट समोसे से ही फुल होकर हो रखा था, तो उसने तो बस हल्का सा टेस्ट करा और अभी हम एकदम यहाँ तक फुल हो चुके हैं। तो अभी हम जाएंगे घर पे अपने अपने रेस्ट करने। अब हम सीधे शाम को जाएंगे कुछ खाने के लिए, तो स्टे ट्यून गाइस। और अभी तो पताशी कॉम्पिटिशन भी बाकी है हमारा। गाइज अभी हमें जयपुर की सबसे फेमस और सबसे पुरानी लस्सी शॉप के ऊपर, लस्सी बराज नाम है, MI रोड पर है। और हमारे लिए बैड न्यूज़ है कि लस्सी पूरी ख़त्म हो चुकी है। अभी 4 बजे हैं, शाम भी नहीं हुई है और लस्सी पूरी ख़त्म। 76 years old, इंडिपेंडेंस से भी पहले 1944। आज की सारी जितनी भी शॉप ट्राई कर रहे हैं सब 1947 से पहले की, आज़ादी से पहले। और मैं आपको बता दूँ कि अग्रवाल है करण अग्रवाल जी, जो कि 4th generation है, मतलब 4 पीढ़ियों से यहीं बैठ के पैसे छाप रहे हैं, लस्सी बना रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं पताशी कॉम्पिटिशन के लिए। और मेरे को पता चला इसने जान बूझ के दिन में ना दाल बाटी नहीं गई ताकि भूखी रहे और पताशी अच्छे से। मेरे को बिल नहीं देना पागल। तो पताशी टाइम, और ये सबसे ज्यादा एक्साइटेड है पताशी खाने के लिए। ओके गाइस हम स्टार्ट कर रहे हैं अब। बस जीरा समथिंग, मेरे को पुदीने की, मेरे को पुदीने की इसके अलावा समथिंग। मुझे ना मीठी वाली बहुत अच्छी लगी। नाइस हां, कैसी लगी? मैंने तो अभी तक वार्म अप ही करा है। सूरज नहीं टिकेगा
गाइस एक पताशी आपके लिए। मेरा पूरा फोकस था खाने में। 12-12 सबने खा लिया अभी। चीटिंग कर रही है रुगला। कल पता नहीं कि सबके क्या हाल होने वाले। गलती से हो गया हम। एक पता पता क्या करते हमको भारी करते नहीं। मेरी लास्ट और 20वीं पताशी अब भी खा सकता है। तो बिल कौन भरेगा? बिल मेरे को देना पड़ेगा। अभी इनमें से देखते हैं कौन कितनी खाता है। मैंने 20 का ही लास्ट, उससे ज्यादा मेरे बस की नहीं है। अभिषेक से जीतेगी तू? पता नहीं शायद। ये भैया ना घपला कर रहे हैं यार आपके सामने। तभी तो कह रहा मेरे सामने घपला कर रहे हो। पताशी खाने का क्राउन जाता है अभिषेक के सर पे। तो हमने 140 पताशी खाई सबने मिलकर। भैया पपड़ी तो दे दो। ओके गाइस, तो आज का पूरा खाना पीना सब कंप्लीट। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने सबने बहुत एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।